हुआ यूं कि एक एक मतलब किसान था, ध्यान सुनना, बहुत इंस्पिरेशनल, बहुत ही सीरियस टाइप की स्टोरी है, बट मजे आएंगे आपको सुनकर। एक किसान था, वो अपने घर में अकेला रहता था, बीवी बच्चे कोई नहीं थे। उसने एक हाथी पाला हुआ था, मतलब वो हाथी से अपनी रोजगार इनकम पहले करता होगा। आजकल वो जो किसान है वो बूढ़ा हो चुका है, समझ में। तो वो क्या है, घर के छोटे मोटे अपने काम कर लेता है, बट वो मार्केट वाले काम नहीं कर सकता। तो जब उसने अपने जवानी में, जब वो हाथी था, तो उस हाथी को बढ़िया ट्रेन किया उसने। ट्रेन किया मतलब कि उसको सारी चीजें सिखा दी, और हाथी समझदार होते हैं। तो वो अब क्या है, मार्केट वाले काम जो है, मार्केट वाले जो काम है वो उस किसान के लिए ये हाथी किया करता था, ठीक है। हाँ, जैसे कि मान लो उसको बोल दिया भैया सब्जी लेके आओ, तो वो जा रहा है, गले में घंटी बांध रखी है हाथी ने, सूंड हिलाता हुआ जा रहा है, और पहुंच गया सब्जी वाले की दुकान के पास। और ये रूटीन इतना बन गया था कि सब्जी वाले को पता था कि भैया ये जो है ये सब्जी उसके घर लेके जाएगा, और अपने महीने वाले दिन अपने उससे जाके पैसे ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो हाथी को भी लोग पहचानने लगे थे, जैसे अगर उसको लेके आना है 1 किलो आलू, तो वो जाएगा वहां पर, सामने जमाई होती है ना सब्जियां, जाकर आलू पे सूंड रखेगा, तो वो 1 किलो आलू पैक करके उसकी सूंड में टंगा देगा, तो वो लेके वापस आ जाएगा। पेमेंट जो है वो बाद में जो अपने किसान भाई साहब है वो कर देंगे, वो घर से कलेक्ट कर लेगा वो जो दुकानदार है। ऐसे करके बढ़िया सिलसिला चल रहा है काफी दिनों से। जो भी आउटडोर वर्क्स हैं किसान के, वो सारे हाथी कर रहा था। बढ़िया, एकदम बढ़िया चल रहा है। अब वो जो इंसान है वो और बूढ़ा होने लगा, ठीक है, और बेहतरीन तरीके से बूढ़ा होने लगा। वो थोड़ा काम अपने जो है वो नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, एक दिन उस किसान ने हाथी को यह समझाया कि आज तू ना सारी सब्जियां ले आ, मतलब शायद वो अपने अंतिम दिनों के नजदीक था, तो उसको एक ऐसे तरीके से अपने समझा दिया, जिस भी भाषा में वो समझाता है, कि आज तू एक काम कर, सारी सब्जियां ले आ, ठीक है। तो हाथी बोला ठीक है, मतलब वही सूंड हिला के या जो भी उसका इशारा होगा उसके हिसाब से वो पहुंच गया। तो हाथी उस दुकान पे पहुंच गया भैया। अब रोज उससे क्या है, एक टाइप की सब्जी मंगवाई जाती थी, तो उस पर सूंड रखता, वो वहां से उठा लाता। आलू चाहिए आलू ले आया, गोभी चाहिए गोली ले गोभी ले आया, मटर चाहिए मटर ले आया। आज उसको सारी सब्जियां लेके जानी थी, 1-1 किलो। तो अब जो है वो हाथी है, दुकानदार के बाहर जाके खड़ा हो गया। दुकानदार भी उसकी तरफ देख रहा है, भाई इतनी देर हो गई है जब से खड़ा है, कुछ आज इसने किसी पे सूंड नहीं रखी, रखे तो मैं फटाफट पैक कर दूं और ये ले जाएगा। तो वो उसको सुने जा रहा, आराम से देखे जा रहा, मतलब घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, हाथी जो है वो मतलब वो खड़ा ही है उस दुकान के आगे। और भी लोग थोड़े घबरा रहे हैं, बोले ये क्या करना चाह रहा है, रोज तो चला जाता है। तो वो जो हाथी है वो उस दुकान के सामने अपने फीलिंग्स को है ना अभी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। और जैसे ही वो हाथी वहां से हिलेगा, मैं स्टोरी को आगे और कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। ये कहानी अब तक चली रही है, हाथी दुकान के बाहर खड़ा है, अब तक उसने कोई इशारा नहीं किया है, समझ में आया। हाँ, ये होती है कहानी, टिट फॉर टैट कर दिया तुम्हारे साथ, तुम बहुत दिन से पीछे पड़े हो, स्टोरी सुनाओ स्टोरी। हाँ सर, इसके आगे क्या हुआ, आगे कुछ नहीं, हाथी दुकान के बाहर खड़ा, अभी अब खड़े खड़े थक गया, बैठ गया, वहां पे कुछ हरकत होगी तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, नोटिफाई कर दूंगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच सर। एक के तो आंख में आंसू आ गए थे, बोले इतनी इमोशनल स्टोरी है, आगे इसमें पक्का कुछ ना कुछ मतलब इंस्पिरेशनल निकल के आएगा। कुछ नहीं, वो हाथी भैया वहीं खड़े हैं, ठीक है। बाय बाय, लव यू ऑल।